वेलकम टू योर क्लास। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर आपकी बुक से, लिटरेरी जर्नीज एंड इंग्लिश रीडर प्राइमर बुक बाय ब्रेन रूट सीरीज। तो देखेंगे, हमारे चैप्टर का नाम है वोवल साउंड आई। इस चैप्टर में हम आई साउंड वोवल्स की बात करेंगे। सबसे पहले है फोनिक ड्रिल। आप देख सकते हैं फोनिक ड्रिल के अंदर क्या है, आई एंड इन वर्ड्स, बिन, फिन, पिन, विन, रिन, सिन, टिन। देख सकते हैं इन वर्ड्स में लास्ट में आई एन आ रहा है, ठीक है। अगला देखेंगे आई जी वर्ड्स, जिसके एंड में आई जी आता है, फिग, बिग, डिग, विग, पिग, गिग, जिग। तो ये क्या है, ये आई जी वर्ड्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है आई पी वर्ड्स, जिसके एंड में आई पी आता है, डिप, हिप, लिप, पिप, सिप, टिप एंड जिप। तो आप देख सकते हो ये सब क्या है, आई पी वर्ड्स हैं। नेक्स्ट है आई टी वर्ड्स। आई टी वर्ड देखेंगे, हिट, फिट, पिट, बिट, लिट, किट, सिट। देखो ये सब क्या है, आई टी वर्ड्स है, जिनके लास्ट में आई टी आता है। नेक्स्ट इज आई डी वर्ड्स, जिसके एंड में आई डी आता है, जैसे बिड, डिड, हिड, लिड, मिड, किड, रिड। तो ये क्या है, ये आई डी वर्ड्स है। नेक्स्ट हमारे पास है आई डबल एल वर्ड्स, जिसके एंड में आई एल एल आता है। पहला क्या है, बिल, हिल, पिल, टिल, मिल, फिल एंड किल। नेक्स्ट इज रीड अलाउड, हमें इन वर्ड्स को साथ में पढ़ना है। चलिए, रिंग, सिंग, विंग, किंग, काइट, राइट, लाइट, साइट। तो ये हमने क्या पढ़ा है, वर्ड्स पढ़े हैं आई साउंड वाले। नेक्स्ट हमारे पास है सिंग अलाउड। क्या है, सिंग अलाउड, हिप हॉप हिप, हिप हॉप हिप, इन द विंड, आई सी पिग सिट इन द पिट विद अ हिप हॉप हिप, सिटिंग इन अ पिट, राइट। सो पिट क्या होता है, पिट एक गड्ढा होता है, आपको ध्यान रखना है। एंड ये हमने आई साउंड वाली एक पोम पढ़ी है, ठीक है, जिसके अंदर हम आई साउंड के वर्ड्स यूज कर रहे हैं, राइट। नाउ वी हैव टू रीड देम अलाउड। फर्स्ट इज फाइन, पाइन, वाइन, लाइन, नाइन, फाइट, लाइट, नाइट, साइट, टाइट, ठीक है। तो ये क्या है, ये वर्ड्स हमने रीड अलाउड करे हैं, आई साउंड वाले वर्ड्स करे हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट द करेक्ट वर्ड्स। सबसे पहले क्या है, विंग है ना, तो हम क्या लिखेंगे, विंग। ये क्या है, जब अपने हैंड में पहनते हैं, क्या है ये, रिंग है, आर आई एन जी, रिंग। नेक्स्ट इज काइट, के आई टी ई, काइट। एंड ये क्या है, एन आई एन ई, नाइन, ठीक है। अब हमें करना है राइमिंग वर्ड्स, थ्री राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। फाइन का क्या हो सकता है, फाइन का हो सकता है लाइन, पाइन, और एक और बताइए क्या हो सकता है, सोचिए, बिल्कुल सही, माइन लिख सकते हैं आप। फाइट का क्या हो सकता है, लाइट, माइट, एक और बताइए, बिल्कुल सही, टाइट भी लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट हमारे पास है काइट, काइट का क्या हो सकता है, लाइट, बाइट, राइट, और क्या हो सकता है बताइए आप, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग, आप थर्ड वाला खुद से लिखेगा इन योर होमवर्क, राइट। अभी हमने पीछे पढ़े हैं बहुत सारे, आप उनमें से कोई भी लिख सकते हैं। रिंग का क्या हो सकता है बताइए, रिंग का किंग, पिंग, बिंग, तो ये हमारे रिंग के राइमिंग वर्ड्स है।
ठीक है, सबको समझ आता है, बहुत अच्छी बात। चलिए, नाउ यू हैव टू राइट द LL वर्ड्स, ठीक है, जिसके लास्ट में हम LL करते हैं। PILL पिल, MILL मिल, ILL इल, SILL सिल, राइट, TILL टिल, राइट, और कौन कौन से लिख सकते हैं आप? कैन यू टेल मी? CILL सिल, राइट। लास्ट टू आप खुद से थिंक करेंगे, अच्छे तरीके से सोचेंगे और फिर लिखेंगे, ठीक है, बात समझ आती है? चलिए, दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।